ये सब कुछ कांग्रेस का ही कराधा है कि बिट्टू बजरंगी के ऊपर केस दर्ज है, उसको पकड़ना चाहिए। मैंने तो एक कहा कि पकड़े उसको, नहीं मोनू मनेसर को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भी जो अगर उसने कुछ गलत किया होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब देखिए इतना बड़ा केस है, 500 लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और अभी 510 अरेस्टेड हैं, उनसे पूछताछ करनी है। अभी तक की जो शुरुआती जांच है, हमने लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया है और 130 या 40 हमने FIR दर्ज की है और उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं अभी, उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही कराधरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक मामन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है, जिन्होंने तोड़फोड़ की है या वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं या पदाधिकारी हैं। और ये जो अभी तक अभी हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर हिंसा हुई है, मामन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहाँ पर गया है, इसने वहाँ पर इसके वहाँ प्रेजेंस है, इसने देखा, वही हिंसा हुई है जहाँ और इसने वहाँ के लोगों को, ये उनके साथ लाइव कॉन्टेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं, हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया था। सर, क्या लाइव कॉन्टेक्ट किस तरीके से था सर, मामन खान का आप बता रहे, लाइव कॉन्टेक्ट क्या सोशल मीडिया से या फोन पे, क्या खुद गए थे या फिर उनके साथ वहां, नहीं या लोकेशन? देखिए वो हम आपको बता रहे हैं और हम इसके सबूत आपके सामने रखेंगे। वैसे पाकिस्तान का भी एंगल देखा जा रहा है जिस तरह से, हाँ नहीं एंगल कई देखे जा रहे हैं, जैसे वहाँ पर साइबर थाने को आग लगाई गई, साइबर थाने को ही क्यों आग लगाई गई, थाने और भी थे, वो भी हम देख रहे हैं। और जैसा कुछ चैनल्स पर दिखाया गया कि पाकिस्तान से भी ये वीडियोज और फोटोग्राफ्स बड़ी संख्या में शेयर किए जा रहे थे और तुरंत किए जा रहे थे, तो उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये अभी सब जो है, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राथमिक निष्कर्ष हैं, अभी सबूतों सहित हम एक एक बात आपके सामने रखेंगे। अच्छा, जो दूसरा है कि जो वहाँ पर आग लगाई गई, क्या कोई रिकॉर्ड वगैरह भी चला है सर, जिस तरह से साइबर ठगी के खिलाफ जो कार्रवाई की थी पुलिस ने, नहीं वो रिकॉर्ड को तो उन्होंने डैमेज किया ही है, वो सारों की इन्वेंट्री बन रही है कि क्या क्या दिया, क्या क्या बचा वहाँ पर, वो उसको कर रहे हैं। सर ओवैसी का कल ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने मोनू मानेसर को मोनू डार्लिंग बनाकर रखा हुआ। देखिए ये जो ओवैसी साहब हैं, ये सुबह उठते ही नफरत की चिंगारियां इस देश में छोड़ना शुरू करते हैं। मोनू मनेसर के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज, और अभी मैंने राजस्थान के DGP का एक बयान सुना था, वो उसमें कह रहे थे कि मोनू मनेसर की वहाँ पर मौजूदगी अभी सिद्ध नहीं हो रही है, अभी इसका नहीं है, परंतु जो भी करना है राजस्थान सरकार ने करना है, करें ना राजस्थान सरकार करें।
हमें तो कोई इतराज नहीं है। सर दूसरा जो मैगजीन है उसके अंदर जो बकायदा उन्होंने अपने कवर मैगजीन पेज के ऊपर बुलडोजर की फोटो छापी है और उसके साथ ही मैगजीन में मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि इन्होंने वीडियो जो थे वो भड़काने वाले लिखे जिसकी वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया और गृह मंत्री जो है उन्होंने इनका समर्थन किया जब ये घर जलाए उनके तोड़े गए। मैंने तो कहा कि बिट्टू बजरंगी के ऊपर केस दर्ज है उसको पकड़ना चाहिए। मैंने तो एक कहा कि पकड़े उसको। मोनू मानेसर का नूर हिस्सा मामले में जो वीडियो पहले जारी हुआ था उसका कोई संबंध नहीं है अभी तक की जांच में पाया गया? नहीं, मोनू मानेसर को भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भी जो अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, पकड़ने की कोशिश का मतलब को वांछित है वो किसी केस में उसको नोटिस दिया पुलिस ने बुलाया उसको? नहीं नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन में हम उससे भी पूछताछ करेंगे। उसको अच्छा सर, जो जो वो क्लीन चिट नहीं है ना मोनू मानेसर? नहीं, ऐसा किसी को भी नहीं दे सकते अभी क्लीन चिट नहीं किसी को। और क्या दिखता है ये हिंसा फैलाने के पीछे क्या मकसद है? देखिए ये जो नूह है यहाँ पर पहले भी 7-8 बार 2005-6 से लेके वहाँ हिंसा हो चुकी है, घटनाएं हुई हैं। जब भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिसका इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया कि वहाँ पर हिंसक घटनाएं क्यों हुई वहाँ पर। और ये लोगों का राजनीतिक खेल है, वहाँ पर उनकी राजनीति ऐसे ही चलती है। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत विविधताओं का देश है, अनेकों धर्म है, यहाँ पर अनेकों पंथ हैं और धर्म निरपेक्ष राज होने के नाते सबको छूट भी दी गई है कि अपने अपने धार्मिक अनुसंधान धार्मिक अनुष्ठान वो कर सकते हैं, सभी करते हैं। मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, ताजिए भी निकलते हैं, सिखों के भी जुलूस निकलते हैं और भी जो जो यहाँ पर धर्म हैं वो अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो कि एक बहुत प्राचीन मंदिर है, सावन के महीने में उस पर अगर वो जल अभिषेक करना चाहते हैं तो उन पर गोलियां क्यों चलाई जाती हैं, पत्थर क्यों मारे जाते हैं, दुकानों को आग क्यों लगाई जाती है? आज प्रश्न तो ये है। ये जो अभी तक की जो जांच चल रही है उसमें अब तो एक महीना लगभग इस बात को हो गया है, जो साजिश रची गई पत्थर वहां पर इकट्ठे किए 10 दिन पहले, अब तो ये क्लियर हो गया होगा ना भी उसमें इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है? देखिए मैंने आपसे कहा कि हम एक एक तथ्य, अब देखिए इतना बड़ा केस है, 500 लोगों से पूछताछ कर रही है और बड़े नहीं। और अभी 510 अरेस्टेड हैं, उनसे पूछताछ करनी है कि भी तेरे को कौन बुलाने आया था, किसके कहने से तू वहाँ गया। और तस्वीरों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है वो भी देखना है। अब ये हमारे विधायक जी जो मामन खान है ये अपने फेसबुक पर डालते हैं कि मैंने तुम्हारी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ी थी, यहाँ पर की लड़ाई में भी मैं आपके साथ हूँ, इन्होंने फेसबुक पे लिखा हुआ है। कल मुख्यमंत्री ने दो और एमएलए का जिक्र किया है कि उनके ऊपर भी संदेह है। देखिए मुख्यमंत्री जी के पास मेरे से बेटर जानकारी होती है ऐसा मान के चले, और अगर वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो जरूर है।
तो ये राजस्थान से जो कुछ लोगों का अभी तक पुलिस की जांच में आया कि कुछ राजस्थान से लोग आए थे जो एक्यूज पकड़े गए 500 में? नहीं, आए हैं राजस्थान से काफी जो लोग उसमें बुलाए गए थे और उसको भी हम जांच कर रहे हैं। सर, सीआईडी की लैब्स को लेकर जो सिक्योरिटी लैब्स था उसको लेकर भी सवाल उठे थे, कहां तक पहुंची है कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली मंगी भी थी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? उसको आपने कहा था कि वीडियो जो है वो जांच के लिए भेजा है एक सब इंस्पेक्टर को। अब देखिए, जो सीआईडी की रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री जी के पास आती है, वो विभाग भी उनके पास है, इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं कि रिपोर्ट आई थी या नहीं आई थी। साहब, कोई धमकी संबंधित भी कुछ खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, आपको कोई धमकी वगैरह आ रही है? वो ये तो चलती रहती है, आपको पता ही है जी। अच्छा, ये जो पत्थरबाजी हुई, जो जलाभिषेक यात्रा और जो ध्वजमंडल यात्रा निकलनी थी उस पर जो पत्थरबाजी हुई, गोलियाँ चली, इसको रोकने का जिम्मा हरियाणा सरकार का नहीं था क्या? नहीं था, क्यों नहीं था? था जुम्मा, वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने किया भी, पर इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अब वो तो जितने आम यात्रा निकलती थी हर साल, जितनी पुलिस पहले लगाते थे उतनी ही पुलिस अब लगा रखी थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।